सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल लर्निंग पॉइंट को और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम बात करेंगे इलाहाबाद और प्रयागराज का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से एक महीना पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आज इसकी वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं प्रयागराज का मतलब क्या होता है और इसके बाद मैं बताऊंगा इलाहाबाद का क्या मतलब होता है। आज से 450 साल पहले इस इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज था। प्रयागराज का मतलब यह था कि जब हमारे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने के बाद जो पहला यज्ञ किया था वो इसी धरती पर किया था, इसीलिए इस प्रथम यज्ञ का पहला अक्षर प्र और इस यज्ञ का को मिला करके प्र और याग मिला करके इस नाम को प्रयाग दिया गया। तब से इसका नाम प्रयाग रखा गया। बट जब कुछ दिनों बाद जब अकबर जो हमारे देश में राज किया था, वो अकबर ने इस प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। इस इलाहाबाद का अर्थ होता है इलाहाबाद। इलाहा का मतलब होता है दोस्तों इलाहा, अल्लाह के द्वारा। बाद का मतलब आबाद का मतलब बसाया हुआ, मतलब अल्लाह के द्वारा बसाया गया नगर को ही इलाहाबाद कहा गया। तो 450 साल पहले अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। और इसी और आज फिर से एक महीना पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद से नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया है। तो ये होता है प्रयागराज का मतलब अर्थ और इलाहाबाद का अर्थ। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और हमारे चैनल इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।